किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने घर में। अगर आप अपने घर का इंटीरियर करा रहे हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अपने किचन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन नहीं करे हो या आपने एक नई किचन के बारे में नहीं सोचा हो। किचन के बारे में तो सोच लिया, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अब उनको कैसे चूज करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप दो तरीके के अगर सिंक होते हैं तो उसमें से कौन सा सिंक चूज करें और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई मीन अगर स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे तो क्या है और अगर क्वार्ट या ग्रेनाइट का सिंक यूज करेंगे तो क्या है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे कौन सा सिंक चूज करना चाहिए। हाय, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलो अब हम बात कर रहे हैं कि सिंक होते क्या हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी कि कैसे सिंक को डिफाइन करें, किस तरीके का सिंक लें। आज मैं आपको ये वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि हमारे पास दो तरीके के प्राइमरी सिंक होते हैं। एक होता है स्टेनलेस स्टील जो कि सिल्वर कलर में होता है और एक होता है ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज जो कि मल्टीपल कलर्स में आता है। जैसे ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज का पत्थर होता है उसी तरीके किचन के सिंक के भी कलर्स आते हैं। तो दोनों अलग अलग वेराइटी है, दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं। आपको ये डिफाइन करना है कि आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ज्यादा फिट कर रहा है। चलो बात करते हैं। और तो सबसे पहले ना स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है पूरे इंडिया में, या आप अगर बाहर भी कहीं किचन बना रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील का सिंक जरूर आपके सामने आया होगा। तो ये जो सिंक होता है ये एक मेटल है जिसको हम स्टेनलेस स्टील मेटल बोलते हैं, उससे बनाया जाता है। तो ये फैक्ट्री मेड होता है और इसको फैक्ट्री में क्रिएट किया जाता है। तो इसके साथ अपना ड्रेन आता है जो नीचे आपका सिंक ड्रेन भी बोला जाता है और उसके साथ कनेक्टर्स आते हैं। अब इसके साथ कुछ अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहला इसका एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये क्लीन सरफेस है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में आता है तो ये ना काफ़ी आसान है मेंटेन करने को। और आप अगर देखोगे तो बाहर से अगर देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रीमलेस लुक लगता है। और सिल्वर क्योंकि एक हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है या कलर है घर के अंदर, तो ये आराम से उस फील के अंदर मर्ज भी हो जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसकी हीट रेजिस्टेंस। मान लो कभी कभार कि हमारी गर्म सब्जी है या कोई एलिमेंट है जो कि हमने सिंक में डाल दिया, तो ये ना गर्मी से या उस हीट से खराब नहीं होता है। तो मैंने कभी आज तक इसे सुना नहीं है कि ये पिघल गया या इस पे गर्म होने की वजह से कोई एलिमेंट खराब हो गया, कभी नहीं होता है। दूसरा क्योंकि एक मजबूत मेटल है तो ये चिप भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ फेंक के मारी और वो टूट जाएगा या वो चिप हो जाएगा या वो फ्रिस्क हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सिंक उस तरीके से थोड़ा ड्यूरेबल है और लॉन्गेटिविटी के हिसाब से अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में भी डिफरेंट टाइप के सिंक यूज़ किए जाते थे, आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले भी, तो वो भी ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के ही हुआ करते थे। वो बात अलग है कि उसकी जो लेयरिंग है वो कितने mm की है, वो कितना थिक है, उससे क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या क्या अपने कॉस्ट के पैरामीटर्स हैं, वो सेकेंडरी मैटर है जो कि आप डिस्कस कर सकते हो। पर प्राइमरी फेसी स्टेनलेस स्टील बहुत पुराना एक एलिमेंट है जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। दूसरा ये जो सिंक है स्टेनलेस स्टील का, ये ना आसान है बहुत, मिलना भी और इंस्टॉल करना भी। तो आप किसी रिमोट प्लेस में रहते हो हमारे देश में तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। आपको कोई फैंसी दुकान, एक फैंसी एक्सेसरी शॉप की जरूरत नहीं है या एक मेट्रो सिटी की जरूरत नहीं है। तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है। इसको कोई भी किचन का इंस्टॉलर, कारपेंटर, प्लम्बर या जो पत्थर लगा रहा है आपके किचन की स्लैब में, उसको इंस्टॉल कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इंस्टॉलेशन की। तो ये उस मामले में अगर आप वे करो तो ये बेटर है एज कम्पेयर टू अदर सिंक्स, अगर आपका अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा चैलेंज है। पर इसका अपना डाउन साइज भी है। देखो अगर इसका सिंक की बात करें, किचन स्टेनलेस सिंक की बात करें, तो सबसे बड़ा है इसकी आवाज़। आप जब बर्तन डालते हो इसके अंदर तो कट कट करके बहुत सारी आवाज़ आती है, क्योंकि मेटल ऐसा है जैसे ही कोई बर्तन जाएगा तो उसमें से आवाज़ तो डेफिनेटली आएगी। आपकी प्लेट भी स्टेनलेस स्टील की होती हैं जनरली, तो स्टील टू स्टील जब मिलेगा जाके तो आवाज़ तो क्रिएट करेगा। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डाउनसाइज है जो कि लोग अवॉइड करना चाहते हैं। देन इसके अंदर एक और चैलेंज होता है स्क्रैचेस का। तो क्योंकि स्टेनलेस स्टील में ना स्क्रैचेस जल्दी लग जाते हैं
और जनरली हमारे यहाँ मेड्स होती हैं या हमारे यहाँ जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो उतना ध्यान से यूज़ नहीं करते, तो इसके अंदर स्क्रैच जो उसका बोल होता है उसके अंदर स्क्रैच लग जाता है, इवन साइड्स के अंदर भी स्क्रैच लग जाता है। हालांकि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई ख़राबी नहीं है, पर डेफिनेटली एक एलिमेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्क्रैच लगा तो उस पर लग जाएगा। मैंने कई बार देखा है कि 15 दिन 20 दिन एक महीने के इंस्टॉलेशन के अंदर अंदर भी उसमें स्क्रैच लग जाता है। तो आप ये मत सोचना कि जीवन भर ऐसा ही रहेगा, स्क्रैच नहीं लगेगा, लग सकता है। अब मैं आपको दूसरे तरीके के सिंक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि या तो क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट के फॉर्मेट में आता है। जनरली इंडिया में क्वार्ट्ज के सिंक आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्वार्ट्ज सिंक बना रही हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर कर सकते हो। सो आप जब भी एक अपनी सैनिटरी की, प्लम्बिंग की या टाइल की दुकान पर जाओगे तो जनरली उनके पास इसके कैटलॉग्स और इसकी अवेलेबिलिटी होती है। इधर वो खुद नहीं मंगा के दे सकते तो आपको मेट्रो सिटी से कहीं और से उसको प्रिक्योर करके दे देंगे। अगर आपका बजट है तो ये थोड़ा स्टेनलेस स्टील के सिंक के मुताबिक महंगा होता है। अगर वो सिंक मान लो 5,000 का है तो ये 10,000 का होगा, अगर ये 8,000 का है तो ये 16,000 का होगा। तो जनरली इन दोनों के डिफरेंस में अबाउट 80% to 100% का डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, पर मैं एक एवरेज उसकी बात कर रहा हूँ। अगर स्टेनलेस स्टील का सिंक भी अगर आप महंगा चूज करें, देयर आर मेनी कंपनीज लाइक अनुपम विच आर सुपर एक्सपेंसिव एग्जाम्पल और दे हैव अ सर्टन टाइप ऑफ क्वालिटी, तो ये ऑलमोस्ट क्वार्ट्ज के सिंक के बराबर ही बैठ जाता है। इसके दूसरे एडवांटेजेस हैं क्वार्ट्ज सिंक के कि स्क्रैच प्रूफ होता है, कि जैसे कि आपने देखा कि स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा स्क्रैचेस लग जाते हैं, ये इस क्योंकि ये कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है तो इसके अंदर स्क्रैचेस इतनी जल्दी नहीं लगते। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पसंद है, इसमें आवाज़ नहीं आती है। अगर आप बर्तन डालोगे तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, तो यू कैन से इट्स अ स्क्रैच, इट्स अ हीट एंड इट्स अ साउंड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो कि लोग अक्सर यूज करते हैं किचन में अगर आप ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज के सिंक्स को यूज कर रहे हैं। और अगर हम किचन की बात कर रहे हैं और स्टाइल की बात ना करें तो कैसे होगा? ऑब्वियसली जो क्वार्ट्ज का सिंक होता है वो स्टाइलिश होता है, ये मल्टीपल कलर्स में आता है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील का सिंक हमेशा सिल्वर कलर में या स्टील के कलर में मिलेगा आपको, ये आपको ब्लैक, क्रीम, वाइट, रेड, इस तरीके के बहुत सारे कलर्स में मिल सकता है। तो अगर आप ये सिंक यूज़ कर रहे हैं विच इज़ द क्वार्ट सिंक, तो आप इसको अपने किचन से टिप एंड टॉप मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इसे कॉम्प्लीमेंट्री रखना है या कॉन्ट्रास्टिंग मोड में रखना है तो भी रख सकते हैं। तो ये कुछ हमने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए स्टेनलेस और क्वार्ट्ज के सिंक्स के। अब मैं आपको अपना वर्डिक्ट बता दूं कि क्या यूज़ करना है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि दोनों सिंक्स इंपॉर्टेंट हैं, स्टेनलेस स्टील का और क्वार्ट्ज का। तो आप ये मत कहना चाहेंगे आप डिप्लोमेटिकली आंसर कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, पर दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो आपको वे करने हैं और इनके साथ अपने बजट को भी वे करना है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक चीपर ऑप्शन में अवेलेबल है वेर एज क्वार्ट्ज चीप नहीं आने वाला है। तो अगर इफ़ यू आर स्पेंडिंग ठीक ठाक मनी इन योर हाउस एंड यू वांट टू बाय अ क्वार्ट्ज सिंक, तो आप आराम से बाय कर सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो चीज़ों को वे करो। स्टेनलेस स्टील सिंक कोई बुरा नहीं है, लोग सोचते हैं कि यार ये तो चीप है, ये तो घटिया है, इससे तो लुक ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे घरों में स्टेनलेस स्टील सिंक यूज़ किया है और जो कि लुक एंड फील में मज़ेदार लगता है जब आपकी पूरी किचन की लुक एंड फील बनती है। Whereas, if you're going for little high end, if you're going for something premium, so definitely आप ये जो साइट में क्वार्ट्ज का सिंक देख रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको definitely feel quality and the enhancement of the entire space बढ़ जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे लाइक करें, कमेंट करें और इसमें मुझे बताएं कि आप अपने घर में फाइनली कौन सा सिंक लगाने वाले हैं।